कौन हो तुम? हे शिव जी, आपने मेरी मदद करी थी, बस सर मुझे जॉब दे दे। सर का मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ है, शायद मेरे लिए वेट कर रहे थे। मैं आई नहीं तो चले गए होंगे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। पापा मेरी ये नौकरी भी चली गई। अभी तक किसी भी असुर का चेहरा इस पेंटिंग पर नहीं आया, इसका मतलब शेष नागिन को पहला असुर नहीं मिला। नागिन का इंतकाम पूरा हुआ, मैंने उस पहले असुर को मार दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब नागिन बदला लेती थी उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई देता था जिससे उसे बदला लेना है, लेकिन जब नागिन इन असुरों से बदला लेगी तो उनका चेहरा इस पेंटिंग पर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अब भी जिंदा है, वो पहला असुर अब भी मरा नहीं है। आपका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पर उसका पैर तो टूटा हुआ था। आपने गलत इंसान को मारा है। हाँ, वो आदमी था गलत, कोई बात नहीं, मार दिया, अच्छा किया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस कारण आपको वहां भेजा गया था, जिस असुर को मारने के लिए आपको वहां भेजा गया था, वो अब भी वही है, उसी घर में। कौन है जो इस प्रलय में हमारा पहला असुर बनेगा? कौन है जिससे आप हमारे देश का बदला लेंगे? कौन है जो नागिन के डसने से मरेगा? कौन है जिसका एक पैर टूटा हुआ है? अरे लीव इट, लीव इट, अरे लीव इट। कितनी बार कहा है कि जब भी मदद चाहिए मुझे बुला लिया करो, मैं हूं ना। अरे जस्ट अर्जेंट कॉल आ गया था तो आना पड़ा, अब सबके सामने सीक्रेट बात तो कर नहीं सकता ना। ओके, वैसे एक बात बताओ, उनसे बात हुई आपकी? हाँ बात हुई, 5 लाख गन्स का कंसाइनमेंट मिला है। देखो डार्लिंग, अभी किसी को क्या पता कि कंसाइनमेंट 5 लाख का मिला है या 10 लाख का। 5 लाख गन्स इंडियन आर्मी को सेल करूंगा और बाकी जाएंगी दुश्मन देशों को। जब दो देश आपस में लड़ते हैं ना, हार जीत किसी की भी हो, फायदे हथियार बनाने वाले का ही होता है। और वैसे भी ये जंग तो मैं चाहता ही था। अभी दुनिया में महामारी फैल रही है, फिर फैलेगी भुखमरी और फिर से ये लड़ाई शुरू होगी, तब सबको मेरे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ शादी के लिए। सच कहूं स्वीटी, हमारी लड़कियां बहुत किस्मत वाली हैं। उनकी शादी बिल्कुल सही घर में हो रही है और वो भी सही लड़के के साथ। लड़का आर्मी ऑफिसर है, बाप इतना अमीर है, एंड टू टॉप इट उनका भी आर्म्स एंड एमिनेशंस का बिजनेस है, गन्स बेचते हैं। तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। देखो क्या है, जो मैं करता हूँ ना किसी को दिखाई नहीं देता। सबको लगता है मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर किसी को क्या पता अंदर का कारपेट में दुश्मन देश को सपोर्ट कर रहा हूँ। और इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो मेरे सपोर्ट से हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी ले आए। कौन है ये लोग? मिनिस्टर साहब ने कहा इनको आने देना है, ये पड़ोसी देश के खास मेहमान है हमारे देश में। ठीक है। वेलकम वेलकम, यही तो मैं चाहता था।
वैसे तो लोग मुझे विलन कहेंगे, एक खलनायक, एक असुर की तरह मैंने अपने पूरे देश को बेच दिया। ये कलयुग है मेरी जान, वक्त असुरों का ही है। अब इसे क्या हो गया, ये कहां जा रही है? क्या करूं, अभी जॉब भी चली गई, कैसे कर पाऊंगी? हो ना हो ये ऋषभ ने ही कंप्लेंट किया होगा, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। खड़ूस कहीं का क्या हो गया? अरे वो जो लड़की है ना जिसने हमारी जान बचाई थी, उसको जॉब से किक आउट कर दिया है। करी होगी कोई गलती, तभी तो फायर कर दिया उसको। अरे इतनी अच्छी लड़की है भाई, उसे देख के लगता नहीं कोई गलती की होगी। She saved our life. We should do something, yeah? वो लड़की बहुत मिस्टीरियस है, उसकी मिस्ट्री तो मुझे ही सॉल्व करनी है कि कौन है, कहां से आई है, किसी मिशन में तो इन्वॉल्व नहीं है। मैनेजर। यस सर। वो जो नई लड़की आई थी हेल्पर जी, प्रथा जी, उसको जॉब से क्या फायर किया? सर मैंने नहीं, रिया मैडम ने किया। ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अरे भाई, आपने मेरी पिक क्यों स्पॉइल कर दी? अरे पर मुझे तो लगा अगर मैं इसे बीच में आऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नेवर एवर, आप तो मेरे होने वाले ब्रो इन लॉ हो ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? गॉर्जियस, अपनी सिस्टर से भी ज्यादा प्रिटी। आपकी फियांसे ना मेरी बहन है। हाँ वो तो अलग बात है कि मैं अपनी सिस्टर एक्चुअली ज्यादा प्रिटी लगती हूँ, है ना? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा लिसन नरिया, अरे वो जो नई हेल्पर थी प्रथा, तुमने उसे फायर क्यों कर दिया? आई मीन अगर तुम बोलो तो उसको जॉब पे वापस रख लें। यू नो कि बाहर की सिचुएशन क्या चल रही है, इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, दैट पुअर गर्ल। मुझे वो लड़की और उसके जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपके छोटे भाई रितेश से प्रॉब्लम है। जब देखो तो किसी नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता है, आई डोंट लाइक इट। काम डाउन, काम डाउन। आइंदा उसने कभी भी ऐसी हरकत की मैं उसके कान खींच लूंगा। यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस 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 यस, मैं लेकर आता हूं। चुप। ये तो ठीक से चल रहा है, ये असुर नहीं हो सकता, कोई और है जो इंसान के भेष में असुर है। कौन है वो असुर? कौन है वो जिसका पैर टूटा हुआ है? अभी पता चल जाएगा। इतनी देर हो गई, कोई कैब भी नहीं मिल रहा। हे शिव जी, कई गुंडे तो नहीं आ गए वापस? बचा लो, बचा लो शिव जी, शिव जी बचा लो, शिव जी बचा लो, बचा लो शिव जी। नागिन आई है, सब बोले लाई है, अब ये करेंगे मेरी मदद उस असुर को सामने लाने में। जिस किसी को अपने पैरों पे इन सुपोल का एहसास नहीं होगा, उसी का पैर असली नहीं होगा। अब यही सुपोले उस टूटे पैर वाले असुर को सामने ले आएंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये हिचकी भी अभी शुरू होनी थी। आपके घर से कुछ भी नहीं चुराया। जा रही हूँ अपने घर, घर ही जा रही हूँ। जाओ घर के अंदर जाओ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी को उसकी जॉब से निकालूं। Get it? सच्ची? जी अब जाएंगे। पागल नागिन। घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, मैं निकालती हूँ। Don't worry. Excuse me, आप सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? तो इतने सारे साहब यहाँ कैसे आ गए? इन्हें निकालो अभी और इसी वक्त। I'm sorry, ma'am, पर आपका फार्म हाउस फॉरेस्ट एरिया में शाम का वक्त है, खिड़की से आगे होंगे और वैसे भी ये सब जहरीले नहीं होते। आप जरा साइड बैठिए, मैं इन्हें निकालती हूँ। मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। ऋषभ? हाँ माँ। कहाँ रह गया था तू? मैं बस। टाइम हो गया, रिचुअल शुरू करते हैं। आओ कम। भाई मेरी बात सुनो, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, बोल तो सही। I lost the ring. What will I do now? चलो भी रिलैक्स कर, एक काम कर, रिया को ये पहना दे। ये तो आपकी रिंग है जो आप रिम को पहनाने वाले हो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। अगर तेरे को तेरी रिंग नहीं मिली तो यही पहनानी पड़ेगी, राइट? Can you believe it, कितने पैसे रखे इस घर के अंदर मैंने? यहाँ कोई नहीं जानता, इस घर के अंदर मैंने पूरे 8 करोड़ रुपए छुपा कर रखे हुए हैं। और इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। डिफेंस ऑफिसर का घर, इतनी टाइट सिक्योरिटी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने अपना देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। कितना काम करते हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं, थक गए होंगे ना? क्या बात है उर्वशी, आज बड़ी हॉट शॉट लग रही है। कौन कहेगा तुम दो जवान बेटियों की माँ हो जिनकी शादियां हो रही है। तुम तो खुद ही जवान हो। हाय मैं मर जावा। माय डार्लिंग हस्बैंड, कितने थके थके लग रहे हो, पैर दबा दूं? ओहो क्या हुआ? कुछ नहीं, दुख रहा है? असली नहीं है ना, इसलिए दुख रहा है। डोंट वरी माय स्वीट हस्बैंड, तुम्हारी ये रोज रोज की दर्द आज तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। ए? क्या है ये? निकाल रही हूं प्या। ओ स्वीटी, मेरे प्यारे पति, बीवी से काम करवाओगे ना, सेवा करवाओगे? करने दो ना। पैर तो मैंने दबा दिए, गला दबा दूं? ये उर्वशी को हो गया क्या? कैसी बातें कर रही है मुझसे ये? मैंने तो तुझे तब भी पहचान लिया था
जब सांप तेरे पैर पे चढ़ा था और तुझे महसूस तक नहीं हुआ, क्योंकि तेरा पैर नकली है, मतलब असुर, तू असली है। सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। मेरी एंगेजमेंट होगी। कंग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू नो, जब मैं आज एंगेज हो रहा था तो पता है कैसी फीलिंग हो रही थी मुझे? रिच, जा, तुझे रिया बुला रही है। ओ, मैं भी आया। देखो, मेरे छोटे भाई से जरा दूर ही रहना। तुम्हें तुम्हारा काम दिलवा दिया तो अपने काम से काम रखो। मैं आपको नागिन लग रही हूँ। इतना सारा तमाशा कर रहे और वो भी इतने सारे पैसे बाहर खुले छोड़े हुए, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, अरे शादी का घर है, इतने सारे लोग हैं नीचे, क्या हो गया है? चुप, चुप। क्या हुआ मिनिस्टर साहब को? इनके चीखने की आवाज नीचे सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, वो क्या है ना, बेटी की शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली इन्होंने। आप चलिए ना, मैं हूँ इनके साथ। ठीक है। क्या हो गया है आपको? लेटिए, लेटिए। मिल गया वो पहला असुर। कमबख्त उसकी बीवी बीच में आ गई। अगर उसकी बीवी बीच में ना आती तो मैं उस असुर को उसके अंजाम तक पहुंचा देती। लेकिन कब तक बचेगा वो? आज नहीं तो कल मरेगा। नागिन के ढंग से मरेगा। इन असुरों का अंत आ चुका है। नागिन आ चुकी है। मैं आ गए हूं। यार ऋषभ, एक बात बता, तू उस लड़की से शादी कर रहा है इस पेपर से? एक पेपर के टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ है। तुझे बस ये एक पेपर का टुकड़ा लगता है? अरे टुकड़ा नहीं, बहुत बड़ा मैसेज छुपा है इसमें, और बात देश की है। देश पर खतरा है। मेरे दादाजी ने सारी जिंदगी लगा दी देश के लिए, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी, और अब मेरी बारी है देश के लिए कुछ करने की। भाई तू देश की सेवा कर, लेकिन थोड़ा अपनी लाइफ में तो एंजॉय करना यार। ये घर, शादी, बारात, आई डोंट केयर, ये सब एक तरफ और देश की सेवा एक तरफ। कोई तो है जो मुझ तक बहुत डेस्परेटली कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। किससे खतरा है देश को? क्या कहना चाहता है? वो कौन है? ऋषभ, तू उस लड़की की बात कर रहा था जिसे तूने उस आदमी के साथ देखा था, कुछ याद है उसका चेहरा? मैंने उस आदमी को बहुत क्लियरली वो मैसेज लड़की को देते हुए देखा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया मैं। पर यहाँ एक लड़की है जिसको देख कर बार बार मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है, और ये बात मैंने उससे भी की, लेकिन बार बार ना कहकर निकल जाती है। ये ढीले ढीले तेवर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तेज हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ। इस घर में हर काम वक्त पर हो जाना चाहिए। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, और वो है कि और घर पे पूजा भी होनी चाहिए। लेकिन माँ, घर में शादी है। कहते हैं अगर घर में दो दो शादियाँ हो तो लोगों की नजर लग जाती है। अब यहाँ संगीत का फंक्शन है, उसके बाद हल्दी का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, गेस्ट आने लगे हैं, और उसके बाद शादी होगी। अब शादी और रिसेप्शन के बीच में हम ये पूजा कैसे करेंगे? और वैसे भी शादी में मंडप में पूजा होती है। ये तो दूसरी पूजा है बहू,
लोगों की बुरी नजर और बुरे साए हटाने के लिए है। प्लीज माँ, अब वो ब्लडी केटर भी गायब है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। वैसे तुम्हारा ध्यान रहता किधर है? दिस इज माई वार्निंग टू यू, कान खोलकर सुन लेना। सारा काम आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर चाहे जैसे भी हो। पूरी रात जाकर करो, आई केयर अ डैम। शादी के फंक्शंस प्लान्ड है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैम, वो इवेंट कंपनी के बॉस कब से दिख ही नहीं रहे। ओह गॉड, आई एम फेड अप। कौन कहा है कि मेरा लुकआउट नहीं है? मुझे काम चाहिए, अगर नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ। बहुत सारे केटरर्स हैं, उनको बुला लूंगी। देखा पुन्नू जी, इस घर में परछाई जी के सामने इनकी सांस की भी सांस अटक जाती है। सिर्फ इन्हीं का टंका बचता रहता है इस घर में। वीजी के प्यार ने ना कुछ ज्यादा ही छूट दे रखे इनको। और एक आप है जो छठे पैसे की तरह इस घर में पड़े रहते हैं। बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मेरी राधा रानी, मेरी एफडी, मेरा इंटरेस्ट सब कुछ तुम ही हो। और वैसे भी तुमको तो शॉपिंग के लिए जाना था। वो जैजी वैजी सी साड़ी खरीदनी थी ना। वो तो मैं ले ही लूंगी, और आप इसी में पड़े रहिएगा। मैम, वैसे भी सारा स्टाफ यहाँ पर रुक रहा है, तो मैं भी रुकी जाती हूँ। हम रात भर काम करेंगे, पर आपका सारा काम हो जाएगा। हमारे बॉस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry. चाची, वो मुझे आपसे कुछ थोड़ी सी बात करनी थी, लेकिन वो मैं... Oh God, चार्जर लाना भी भूल गई। फोन तो चार्ज करना ही होगा। अर्जेंटली मायंक से बात करनी, उसे बताना मैं घर नहीं आ रही। चार्जर है तुम्हारा? नहीं। तुम्हारे पास? क्या हो गया? फोन काम नहीं कर रहा है। चलो जब हम निकलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। वो एक्चुअली अर्जेंट कॉल करना था, इसीलिए। किसे करना था अर्जेंट कॉल? एक्सक्यूज मी, आई मीन आई हैव द राइट टू आस्क यू ना, सो बताओ किसको करना था अर्जेंट कॉल? है कोई इंपॉर्टेंट? ऐसा कौन इंपॉर्टेंट है जिसका नाम भी नहीं बता पा रही हूं? इन लोगों को क्यों बताना कि मयंक से एंगेजमेंट होने वाली है? पर्सनल कॉल है। बस इतनी सी बात? पावर बैंक फुली चार्ज्ड, मल्टी आउटपुट्स, सारे तार जुड़ जाएंगे इससे। थैंक्स। ये पर्स तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस दिन उस लड़की के पास था। कहीं ये वही तो नहीं? बोलना भाई, चाची चाहती है कि कंपनी के सारे डिसीजंस आप लो। मैं उनको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी में फाइनेंशियल मेसअप हो रहा है। हान्या, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? आई एम विद यू ना, इतना क्यों सोच रही है? तू एक बार फिर से बात करके देख, अगर वो नहीं मानती तो मैं हूँ ना, मैं बात करूंगा उनसे। मैं जानता हूँ मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुझे अपनी बेटी मानती है वो। नहीं भाई, वो रिम और रिया को अपनी बेटियां मानती है, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है ना। मैं कौन हूँ? मैं उनके जेठ जी की बेटी हूँ। अन्या, तू खामखा इतना सोचती है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन करना था मुझे और मेरा फोन भी टूट गया है। अब कैसे बताऊंगी पापा को कि मैं घर नहीं आ रही, शादी के 8 दिन के फंक्शन के बाद ही घर आऊंगी। और मयंक को कैसे कॉल करूँ, कैसे बताऊँ? फियांसे है मेरा, शादी होने वाली मेरी उससे, पर किसी को बताया नहीं क्योंकि अभी तक हमारा रोका नहीं हुआ है ना। उसे बताना तो पड़ेगा ना। तू एक काम कर, तू मेरे फोन से फोन कर लेना। थैंक्स। हाँ। हेलो मयंक, मैं प्रथा। थैंक गॉड, फाइनली यू कॉल्ड। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मिलना है तुमसे। बताओ कब आ रही हो, नहीं तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। नहीं 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 मयंक, तुम यहाँ मत आओ। यहाँ बदरपुर में हूँ मैं, छोटा सा शहर है, शादी का घर है, यहाँ पर काम करती हूँ मैं। तुम आ जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ तुम मत आना, मैं कुछ करती हूँ। तुम रुको, ओके? मैं कुछ ट्राई करती हूँ। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। जल्दी बोलो, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
सर मुझे थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहिए थी, मेरा फियांसे मुझे मिलना चाहता है, तो अगर या इतने काम पड़े हैं और तुम्हें जाना है? थोड़ा अर्जेंट था। तुम एक काम करो, जिसने तुम्हें दोबारा नौकरी पे बुलाया है ना, उसी से अगर बात करो। मतलब ऋषभ सर? मैनेजर ने कहा था कि ढोल वाले आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो नजर नहीं आ रहे परजाई जी। मैम आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बाहर वालों की क्या जरूरत है, हम ढोल ताशे बजाते हैं और महफिल सजाते हैं। एक बना दे। ये मंत्री मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है, कहीं से मुझे पहचान तो नहीं लिया? रात को तो ये नशे में था। सर सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया? बिल्कुल। पता है कल रात मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। मुझे लगता कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, पहले लगा मेरी पत्नी उर्वशी मुझ पर अटैक कर रही है, फिर लगा तुम अटैक कर रही हो। सर मैं आप पे अटैक नहीं प्रोटेक्ट करने आई हूँ। क्या है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा पी लेता है ना तो उसका डर भी सामने आ जाता है और खुशी भी। बाय द वे लुकिंग गुड, इस फंक्शन की रौनक बन गई है तुम। थैंक यू सर। क्या बात कर रहे थे उससे? अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। कुछ नहीं बस ऐसे ही, मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है आपका। हाँ अरे कहना क्या चाह रही हो तुम? कल रात को क्या बेहुदा बातें कर रहे थे तुम, नागिन 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 चिल्लाए जा रहे थे मुझ पर। अरे मुझे लगा तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। शट अप, जस्ट शट अप। ओ मिनिस्टर साहब, ये शराब ना आपके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ने लग गई है, नागिन में औरत और औरत में नागिन दिखाई देने लगी है आजकल। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मिनिस्टर की कुर्सी खोदोगे, तो खुद तो डूबोगे मुझे भी ले डूबोगे साथ में। मिस्टर मिनिस्टर आज थोड़ी कम पीना। सुनो एक लाज बनाना। एक्सक्यूज मी गुजराल साहब, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। काम बाद में करते, अभी चीयर्स करते। कब? नहीं नहीं नहीं, वो मीटिंग जरूरी है। मैं आपका स्टडी रूम में इंतजार करूंगा। आज रात को मीटिंग करनी जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त ये डील फिक्स करेंगे। हम वर्षों से एक साथ बिजनेस करते चले आ रहे हैं और आप कई देशों में हथियार सप्लाई करते हैं, ये डील आप वर्षों से कर रहे हैं, हम बिजनेस पार्टनर हैं, ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। पर अब हम बिजनेस पार्टनर से रिश्तेदार बन रहे हैं। हम दोनों मिलकर ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ललित जी को उसकी आधी बातें पता ही नहीं और हम इस फंक्शन के बीचों बीच ये सारी बातें कर रहे हैं। हमारी फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता, सब टप्पे कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कम ऑन लेट्स डांस। सर वो मुझे थोड़े टाइम के लिए छुट्टी चाहिए थी, बस 2 घंटे के लिए, कुछ अर्जेंट काम है। क्या अर्जेंट काम था? वो मुझे अपने फियांसे से मिलने जाना है। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। सुनो तुमने चाची को देखा? शायद वो ऊपर होंगी, तो एक काम करो एक ठंडाई ऊपर पहुंचा दो। आज चाची से बात करके ही रहूंगी, उन्हें बिजनेस की सारी प्रॉब्लम समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे भी भाई ने कहा है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो संभाल लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाची वो मैं बताना चाहती थी कि वो अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, हमने जो चीजें बेची है उसका डबल प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉब्लम ये है कि इसी अकाउंट्स में ऐसा लग रहा है कि कंपनी से कोई पैसा उठा रहा है और खुद ही एंजॉय कर रहा है। तुम ये लैपटॉप लेके क्यों घूम रही हो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब कुछ देखने की, बिजनेस देखना मेरे बेटों का काम है। देखो बेटा
इस घर में सबकी जिंदगी का फैसला मैंने कर दिया है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे माथे की लकीरों में लिखती है। तुम्हारी शादी, अपने ससुराल में जाकर तुम्हें जो काम करना है कर लेना, क्योंकि बेटियों का असली घर तुमका ससुराल ही होता है। उसी घर में जाकर खुश रहना। चाची, लेकिन मैं चाहती थी, मैं भी तो यही चाहती अपने दोनों बेटों की शादी अच्छे से हो। इन बातों के लिए ये सही टाइम नहीं है। नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं, नीचे चलते हैं। चले। सिर्फ एक वही इंसान है, इस घर में कई लोग हैं जो इस देश को बेच रहे हैं। लगता है इसलिए ये जगह दिखी, क्योंकि बदला सिर्फ एक से नहीं बहुतों से लेना होगा। और लूंगी हर एक असुर का अंत करूंगी। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? शादी का घर, इतना सारा काम है। Excuse me, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। What are you doing here? चलिए नीचे। अब यहाँ खड़े खड़े मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर सकती। किचन में हल्दी की थाली रखी है, उसका उपटन बनाकर जल्दी से हॉल में लेकर आओ। वेटर। यस मैम। वो देखो, मंत्री जी वहाँ बैठे हैं, खाली हाथ बैठे हैं, जरा खातिरदारी करो, ड्रिंक सर्व करो। सर। मैंने क्या किया? क्या है ये था? कल रात भी, कल रात आप ही ने कुछ ज्यादा पी ली थी, मैंने नहीं, समझे आप? और ये लड़की, इस लड़की पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जब देखो तुम्हारे आगे पीछे परिक्रमा करती रहती है। Why? I'm sure इसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। I'll get you your drink, मैं बना के लाती हूँ। अरे मिनिस्टर साहब, आपकी ड्रिंक गिर गई। अरे मैं समझता हूँ, जब मैं भी चार पैक लगा लेता हूँ ना, तो मुझे भी भूत भूत दिखने लगते हैं। पर एक भूत के साथ तो हम रोज ही घर पे रहते हैं। हम पति ना एक ही नाव में सवार हैं, पति कम वनस्पति ज्यादा। अरे हाँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हेलो। हाँ ओ नो, आपको ड्रिंक है क्या? मैं आपके लिए नया ड्रिंक लेके आया। बेटियों टू बी होने वाली बहुओं के लिए यह हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आशीर्वाद समझ कर। एक सेकंड, हम दोनों का गिफ्ट मतलब क्या? दे तो रही हूँ, ये लाइफ टाइम गिफ्ट, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी। सुनो, दोनों बेटी को ऊपर लेके आओ। जी, यही सही मौका है, चल दांव लगा ले। ये लो कैश, पता है ना कहाँ लेके जाना है? ठीक से लेके जाना, ठीक है? डैड, डैड।
टायर्ड आप भी ना, दिस इज टू मच। हां, आपने इसे फंक्शन के बीच में से इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुला लिया? हम दोनों सेरेमनी बीच में छोड़ के आए हैं। अरे बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे डैडी क्या गिफ्ट देने वाले हैं तो सेरेमनी भूल जाओगी। अच्छा, गिफ्ट से याद आया कि रिट्स भी बहुत कंप्लेन कर रहा था कि उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। डैड को तो बोले दो। अरे अरे अरे, एक मिनट, क्या करते रहते हो? ये लो तुम दोनों के सपनों की चाबी। डैड, ये किसी चाबी है? बेटा, ये चाबी नहीं, तुम्हारे डैडी का गिफ्ट है। याद है कुछ साल पहले हम गोवा गए थे? यस। आप दोनों को बीच साइड विलाज बहुत पसंद आई थी। हाँ। खरीद लिया आपके डैडी ने आप दोनों की पसंद। What? Oh my God, are you serious? I love you, Dad. Thank you so much. मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हमारे लिए सब करेंगे। अगर आपको इतना ही बड़ा सरप्राइज देना था तो सबके सामने दे देते ना। मैं भी रिच को दिखा देती कि आप सबसे बेस्ट डैड हो। अरे बेटा, इतना महंगा गिफ्ट सबके सामने देता तो लोग हजार सवाल करते कि इतना पैसा कहाँ से आया। तुम भी किसी को मत बताना, अपने पतियों को भी नहीं, समझ गए? ओके डैड, आई लव यू सो मच। रिया ना एक्साइटमेंट में क्रेजी हो जाती है। रीम, तुम भी जाओ, हल्दी की तैयारी करो। क्या बात, लार्जर देन लाइफ का सपना पूरा किया है आपने अपनी बेटियों के लिए आज। देखा नहीं इतनी खुशी उनके चेहरे पे जब आपने उन्हें चाबी दी। अरे खुशियां देने के लिए तो इतनी बड़ी लेन देन कर रहा हूँ, मेरा सपना ही क्या है? अपनी बेटियों के सपने पूरे करना, तुमको खुश रखना, अपने परिवार की सेवा करना, अपनी स्वीट सी बीवी की सेवा करना, यही तो मेरी असली देश सेवा है। देखो क्या है, जब बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है ना तो हर हद और हर शर्त तोड़नी पड़ती है, दुश्मनों से भी दोस्ती करनी पड़ती है और सर काटने वालों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। इसलिए हाथ मिला मिलाकर अपने पैरों के नीचे की जमीन बढ़ा रहा हूं, अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं। जितनी मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी मेरी हुकूमत बढ़ेगी, और जितनी हुकूमत बढ़ेगी उतनी इज्जत बढ़ेगी। जो मैं दुश्मन देश से डील करने जा रहा हूं ना, अगर ये हो गई तो हमारी चार कुत्ते घर बैठ कर आएंगे। आपके तो राज भी गजब के हैं। Now let's get ready. दाएं हाथ से कब देते हो तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे जाना है हल्दी सेरेमनी के लिए। ओके? तुम अभी भी स्ट्रेस में लग रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी इस कमरे में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक काम करो, भाई साहब के कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और बाद में आ जाना। वेट कर रहा होगा, बहुत गुस्से में होगा। जल्दी से हल्दी करके निकलती हूँ। जी हल्दी। चलो निकले यहाँ से। क्या 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 मतलब, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझसे मिल सको? मयंक, मैं तुम्हें मिलने आ ही रही थी। और ये सब क्या काम कर रही हो तुम? हाँ, कितने पैसे दे रहे हो तुम इस जॉब के लिए? जॉब करने आई हो ना या किसी लड़के से मिलने आई हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ सर, चल क्या रहा है, अफेयर चल रहा है तुम्हारा? मयंक, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, चलो। देखो सीमा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ, वरना आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। कल रात को रीम के डैड ने इतनी पी ली थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे होश में ही नहीं थे, चीखे चिल्लाए जा रहे थे, औरत 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 औरत। और ये औरत, ये तुम्हारी सिक्योरिटी वाली, आई जस्ट डोंट लाइक हर। हां सीमा, आई रियली डोंट लाइक हर। जब देखो चिपकी पड़ी रहती है, और आज तो मैंने इनको भी इससे बात करते हुए देखा है। सीरियसली माना कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ऐसे कपड़ों में, ये लो नेक टाइट फिटिंग ड्रेस में और ये जूतों में, इन आदमियों की फितरत तुम नहीं जानती हो। कबूल ऋषि, पहले तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे हस्बैंड जो है ना, वो इस देश के मिनिस्टर हैं, उनकी फितरत ऐसी नहीं है। तुम क्यों नहीं समझती हो ये बात कि तुम मेरी समधन हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात शेयर कर रही हूँ।
सुन, पहले तू ये समझ ले, हु? तेरे पति को ऐसे नजरों से इस लड़की को कभी नहीं देखेंगे। राधा अब, जी परजाई जी, हल्दी की रस्म शुरू करनी है, जाओ जाकर हल्दी लेकर आओ। जी। घर में हजारों लोग हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ रात में ही मिली हुक्म झाड़ने के वास्ते। राधा हल्दी ले आओ। नहीं सुनो, वो मनचली लड़की ना, उसे कहो हल्दी लेके आए। जाओ रुको, मैं लेकर। अरे ये रो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हल्दी वाले से ज्यादा हल्दी वाले में इंटरेस्ट दिखा रहा है? बिग बी, टप्पा डांस इज सो ओपी ना, वेरी ओपी। अरे कभी तो पूरी लाइन बोल दे कि टप्पा डांस इज ओवर पावर नॉट ओपी। तो एक काम कर, तू जाके गेम कंटिन्यू कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके, डोंट वरी, अगली क्लास लेकर आता हूँ इसकी। मुझे मिल ही गया असुर। क्यों, क्या हुआ? अपनी जान पे बन आई तो तू डर गया? जब तूने हजारों मासूमों की जान ली थी तब तुझे डर नहीं लगा? नागिन, नागिन हूं मैं, तुझ जैसे असुर का सर्वनाश करने आई हूं। बहुत लोगों को मार दिया तूने, अब मरने की बारी तेरी। ऐसा मत कर, अपनी बेटी और पत्नी को खुश रखने के लिए देश को धोखा दे रहा है तू। देश सेवा की आड़ में परिवार की सेवा करनी है, पैसे कमाने के लिए हर हद हर सर हद तोड़नी है, दुश्मनों से दोस्ती करनी है, सर काटने वालों से हाथ मिलाना है, एक पैर है नहीं पर पैरों के नीचे की जमीन बढ़ानी है, काला धंधा करके अपनी ताकत बढ़ानी है, गद्दारी करके हुकूमत करनी है, और क्या बोला तूने कि बस एक डील हो जाए दुश्मन देश से और फिर तो तेरी चार पुश्तें बैठकर खाएगी। चार पुश्तों को बिठाकर खिलाने वाले, तेरी अपनी जिंदगी चार मिनट से भी ज्यादा नहीं है। ऐसे आंखें फाड़ के मत देख, देश को बेचते वक्त तेरा दिल नहीं फटा था? मरने से पहले एक सबक सीख के जा, देश को बेचने वाले कभी बचते नहीं। दूसरों का जो अंत करता है, एक दिन उसका अंत उसके सामने आ खड़ा होता है। आ गया तेरा अंत, तेरी मौत आ गई नागिन, तेरे अंजाम के लिए, देश के इंतकाम के लिए। Ah!
कर दो, आप कुछ गलत नहीं करोगे, सब ठीक कर दूंगा, उससे गलती हो। रिच, क्या है ये सब? क्या हो ब्रो? तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ गया? तू जानता है ना रिया को कितना जेलस हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है जब तुझे किसी और के साथ देखती है तो। क्यों खामखा नाराज कर रहा है उसको? वो तो वैसे भी बिना किसी रीजन के नाराज है। तुम शांत हो जाओ। Congratulations. लगता है उसको भी लाइफ में कोई जीवन साथी मिल गया है। अब खबरदार तूने उसकी तरफ एक दफा भी मुड़कर देखा तो, वरना तेरा ये है ना, तो इसको इतनी जोर से दबाऊंगा। एक मिनट में भाई, मैं बस इसलिए देख रहा था क्योंकि वो चीजें मैं सब कर रही है ना। अच्छा, तो अच्छा, तो कोई गलती ना हो उससे। okay, इसलिए ध्यान रखे। ये दोनों लड़के तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसकी ज्यादा टेंशन ना ले, जो मैं तूने किया उसको जाके सुधार। रिया तुझे बुला रही है। क्या चल रहा है? क्या बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है मुझे बताओ। क्या चल रहा होगा? कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये दोनों बॉसेस हैं मेरे, यंग बॉसेस। सुनो। हाँ मैं अभी आई। ये ऐसे तो ये जॉब छोड़ेगी नहीं, पर मैं इसे इस जॉब से निकलवा के रहूंगा। अब जब ये हल्दी लगेगी और ये कांच चुभेगा तो ये लोग इसे एक सेकंड में जॉब से निकाल के फेंक देंगे, और ये जो इतनी हवा में उड़ रही है ना, अपने आप इसका उड़ना बंद हो जाएगा। मयंक, प्लीज यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करना, मैं ये जॉब नहीं खो सकती। मॉम, ये रिच मेरे यहाँ होते हुए किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये भी ना बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा निकला, पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, कौन सी कहानी लिख रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा ऊपर। अरे डोंट वरी, उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ। थैंक्स। तुझे क्या लगता है तो मुझे मार देगी तो जीत जाएगी? मेरे पीछे बहुत लोग हैं यहाँ जो मेरे अधूरे काम को अंजाम देंगे। अंजाम तो अभी तेरा लिखा है असुर। मरने से पहले बता दे कौन कौन है तेरे साथ। सब क्या है? कौन है ये लोग? बता कौन है ये सारे असुर?
इसने ऋषभ की तरफ क्यों इशारा किया? पांच लोग देखे मैंने, वो पांचवा या पांचवी जिसके हाथ में तिल था, कहीं वो ऋषभ तो नहीं?